गाइस वेलकम बैक टू द चैनल डे 3। आज जा रहे गंगा में स्नान करने और अभी हम रिक्शा में बैठे हैं। आ रहे हैं, उठ गए, अब गंगा में नहाने जा रहे हैं। आपके नोटबुक भी ओपन कराएंगे। चलो दिखाते हैं आपको। Yo, it's hard days and it's hard months. Sometimes I don't know what to say, it's me all at once. My pride is getting in the way and I'm on the run. Scared that things are gonna change, what will I become? I can't take it sometimes, that's why I dive into rhymes. That's why we dive into lies, we digging deeper inside. We try to keep up with life, we hide our pain from the light. Do what we can to survive, but no, I won't let it take a hold of me. Find my passion, make it happen, I'm gon' take control of me. Not reacting, taking action, I can feel it pulling me. A whole so deep, my soul will need a passion that comes over me. Yeah. कुछ रीजन की वजह से आगे तक तो वो नहीं जाने दिया ये रिक्शा, तो अभी हम पैदल पैदल ही जा रहे हैं। वहाँ की भाई डार्क कवर्ड बहुत है, बैक कैमरा करके दिखाता हूँ आपको। Yo, they say to be where your feet are. I just listen to the beat, try to restart. I just listen to the beat like it's your heart. So far, I can't seem to let down my own guard. Yeah, I'm defensive for a reason. Hiding all my demons, affected by the seasons. Sometimes I just feel like leaving. I'm sick of all these feelings, I'm sick of always dealing. Yo, you say that I've changed, but you've changed. All this pain in my veins is from the things you say. Your state of mind never stays the same. You say you're fine, but you lie to me. Inside, you're dividing me. Yeah, we got our highs and our lows. And when we're high, we're so close. But when we're low, I don't know, yeah. Don't wanna be someone different. Why can't you just be forgiven? And who I am, that's a given, yeah. If our time is lost to waste, to leave behind a better place, then I need nothing more than life with you. And if I was the one to stay, would you still spend this time with me? मेला सा लगा हुआ है पूरा यहाँ पे, मतलब इतने कावड़ वाले हैं, इतने कावड़ वाले। महाशिवरात्रि भी है क्योंकि, तो अच्छा लग रहा है भाई देख के काफी। नमस्ते, आई मीट मांग। भाई कितनी भीड़ है। भीड़ देखो, डुबकी उबकी मार ली हम सब ने और अब जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए। उसके बाद करेंगे चेकआउट और फिर मिलेंगे मोटरलॉक सेटअप पे। और अभी ब्रेकफास्ट करेंगे तो
बाकी चलो चलते हैं। पानी बहुत ठंडा था मगर मज़ा आ गया। ये डुबकी को छलांग लगा रहे हैं। टाइम हो चुका है, अपना सामान यहाँ रख के हम खाना खाने जा रहे हैं। बाकी भाई होटल है ये, कहाँ नाम कहाँ लिखा है, होटल फेमस ये देख लो, होटल फेमस। अगर हरिद्वार कोई भी आते तो यहाँ स्टे कर सकते हैं, बहुत अच्छा स्टे है। रूम बिल्कुल साफ है। बिल्कुल, और बढ़िया रूम है जैसे देखा होगा। तो चलो खाना खाते। तो भाई अभी खाना खाने आए थे तो यहाँ फोटो देते हैं। BTS ऑफ पिक्स आए थे, स्वाद है कुछ करके है होटल का नाम। हमने अभी मंगाई थी बिरयानी, जैसा आपने देखा होगा शॉर्ट में, बिरयानी, अफगानी मोमोज और उससे पहले इडली मंचूरियन मंगाया था। खाना अच्छा है, बाकी की डिशेस ट्राई करते हैं और फिर आपसे खाने के बाद आपको रिव्यू देते हैं। भाई अभी ब्रेक लेने के लिए रुके थे, बहुत तेज़ हवा चल रही है और देखो मोटर लोग हो नहीं पाएगा क्योंकि हवा के कारण फ़ोन पूरा यूं ही हो रहा है, इतना स्टेबल सेटअप नहीं है हमारा और फ़ोन का भी थोड़ा रिस्क हो रहा है। तो जब जहां हवा कम होगी पॉसिबल होगा जो छोटी छोटी क्लिप हो जाएंगी वो दिखा देंगे, बाकी ऐसे रुकेंगे तो आपको दिखाई देंगे। और बहुत तेज़ हवा चल रही है यार, बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है, बिल्कुल ऐसे ऐसे हेलमेट भी पूरा इधर उधर जा रहा है। वो तो अच्छा हेलमेट है, ना पुराने वाला होता हूँ तो निकल जाता है। थैंक यू, देखना दिखाते रहेंगे आपको जैसा भी होगा और बताते रहेंगे। अभी गन्ने का जूस पीने के लिए रुके थे और व्यू देखो भाई, ये क्या बढ़िया व्यू आ रहा है, क्या ठीक है, बिल्कुल बढ़िया मस्त व्यू बना रखी है। हवा तो बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है। बाकी जूस पीते हैं और 200 किलोमीटर है अभी अपना घर और बढ़िया है, मतलब मज़ा आ गया नदी से देख के।
तो भाई यहाँ अब हमने लंच को अपना कुछ भी कह लो खाने के लिए ब्रेक लिया है। काफ़ी जगह है खोल रखी, ये इंटरेस्टिंग स्पोर्ट्स। चलो खाते हैं, मिलते हैं आपसे। गाइस बुरी हालत हो चुकी है, दोपहर से रात होने वाली है और रात के कितने बज रहे हैं, टाइम क्या हो रहे हैं, 9:50 हो गए हैं, घर नहीं पहुँचे अब तक। और भाई मतलब आसान नहीं होती जो मतलब सल्यूट है भाई जो लद्दाख वद्दाख बाइक से जाते हैं, हमारा तो पहली बार है अगर ऐसे सोरी, मगर हम भी जाएंगे, एक टाइम आएगा जय श्री राम जरूर जाएंगे। और बाकी भाई वैशाली ये बार सबकी शक्ल देख लो, मीट्स निखिल लाइट में आओ भाई, लाइट में निखिल भाई, मतलब इनने तो इतना टाइम खराब कराया है ना हमारा, इतना टाइम खराब कराया है, हर दूसरे मिनट रुकवा लेते थे और क्या ही बताया। तो घर पहुंच के हंटर अब घर पहुंच के बात करेंगे, बहुत थकान हो चुके कैमरा, चलो फटाफट चलो। तो भाई घर पहुंच गए थे और मैं मतलब इतने थक गए थे कि रिकॉर्ड करना भूल ही गए, आके सीधा सो गए और फिर अगले दिन मैं अपने घर आ गया। फिर अब एडिटिंग करते टाइम देख रहा हूँ कि व्लॉग तो एंड करा ही नहीं था मैंने लास्ट में। तो गाइज इसी नोट पे हम करते हैं वीडियो ख़त्म अपनी, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और कैसी लगी ऋषिकेश ट्रिप अपनी ज़रूर बताना, और क्या क्या इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं ये ज़रूर बताना, क्योंकि नई नई हो रही है एडिटिंग, तो मतलब नया नया कंटेंट बना रहा हूँ तो पता नहीं कैसी क्या होता होगा। तो कमेंट में ज़रूर बताया करो कैसा लग रहा है, और कमेंट करो बढ़िया बढ़िया, वीडियो शेयर करो, और होप करता हूँ यहाँ तक की वीडियो सबको अच्छी लगी हो। तो साइनिंग ऑफ प्रथम वशिष्ठ, और जय श्री राम सभी भाइयों को, भाई वीडियो देखा करो, शेयर करा करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। जय हिंद जय श्री राम।